Bells Overseas, the sound of your future. Most of the students have problem while preparing for a cue card more than 1 minute. So here is the solution with Kavita from Bells Overseas. Today we will learn how we can prepare a cue card within only 1 minute. Before beginning this session, you should always keep these tips in mind. The foremost point is play games with your synonyms. इसका मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा synonyms का यूज करना है ताकि आप repetition को अवॉइड करें. So the second point is use idioms. आपको idioms का यूज करना है जिनको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं. It means कि वो ज्यादा से ज्यादा easy होने चाहिए and वो learn करने में भी easy होने चाहिए. For example, when I went to the shop, I was over the moon. मतलब मुझे शॉप जाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई. It is easy for you to understand. So you have to use such range of idioms. The third point is connectors. Connectors, you have to use connectors while speaking to be more specific, to be more wise with your words. Let's move to the next part, that is the structure of a cue card. आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी. द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन. आप कोई भी बात करोगे, यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट, ओनली देन पीपल विल गेट टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप किसी चीज का इंट्रो ही नहीं दोगे तो कैसे किसी को पता लगेगा कि आप बात ही किस चीज की कर रहे हो. तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड पॉइंट इज बॉडी पैराग्राफ. It means the part of your storytelling will be included in this point. जो भी आप बोलोगे, आपका storytelling, आपके past experiences, वो इस part का हिस्सा होंगे. And you have to cover your 3 to 4 bullet points in this body paragraph. Next comes the conclusion. Conclusion में आप बताओगे कि how you really feel about it. You feel happy about it, you feel bad about it. You are going to elaborate that in this point. Let's move to the next part. So here comes the main topic, that is the cue card. The cue card says, describe a person whom you admire. So, सबसे पहले हमारे लिए एक स्टेटमेंट का मतलब जानना बहुत जरूरी है. द वर्ड एडमायर मीन्स द वन हु इज वेरी अट्रैक्टिव एंड सेकेंड समवन हुम यू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट. तो यहाँ पे इस वर्ड के दो मीनिंग हैं, ठीक है. आपको इस स्टेटमेंट का मतलब पता होना जरूरी है. लेट्स मूव अहेड टू द बुलेट पॉइंट्स. आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि आप इनमें से कोई भी बुलेट पॉइंट स्किप नहीं कर सकते. यू कांट स्किप एनी ऑफ द बुलेट पॉइंट्स. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट सेज हु ही शी इज. हमने जैसे कि पहले पढ़ा था बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दैट वी हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ अ ट्री. मतलब जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से हमें एक पैटर्न वाइज चलना है इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे. कहानी को शुरू से लेके एंड तक प्रॉपरली बताना है. सो हम लोग पहले बताएंगे इंट्रोडक्शन से. आपको अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करना है. आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेल आई नो न्यूमरस पीपल इन माई लाइफ हु हैव ओशन ऑफ नॉलेज एंड दे हैव ग्रेट थॉट्स एंड आइडियाज. But today, I would like to talk about the one person who is very close to my heart and she is none other than my mother. So, इसको हम बोलते हैं introductory part. That's how your introductory part should be like. So, next comes the question, how you know him, her. So, next comes the question, how you know him, her. I know her because of the fact that she has given me birth to this beautiful world. That's how I know her. So, the third question is, what characteristic this person has? इसमें आप उनके बारे में कुछ भी बता सकते हो. फ्रॉम हर नेम, एज, लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड हर क्वालिफिकेशन टू. सो अगर आपकी जगह होती तो मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से देती. हर सिंप्लिसिटी डिफाइंस हर द बेस्ट वे पॉसिबल. शी इज अ वेरी करेजियस वुमेन. शी ऑलवेज हेल्प्स नीडी वन रिगार्डलेस ऑफ द रिलेशनशिप. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टेल अबाउट हर कैरेक्टरिस्टिक. यू कैन एड सम मोर थिंग्स अबाउट हर. Now the fourth question is, what relationship do you share with that person? So it means ki aapka aur unka kya sambandh hai? Well, I share a very beautiful bond with my mother, that is the relationship of a daughter and mother. That is beyond the greediness of this world. If you want to elaborate the length of your cue card, then you can mention any of the incident you had in your past times. So that's how you are going to do it. And all the very best. Follow for information, Bells Overseas.
business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.